हे गाइस, दिस इज रिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ और सारी तैयारी हो चुकी है। डैडी हाँ, बोतल वगैरह भी ले लिए। बोतल ट्रांसपेरेंट थोड़ी छोटी सी लेनी थी, वो भी मैंने ले ली है। और इयररिंग वगैरह या गले में या हाथों में कुछ नहीं पहनना, वो भी मैंने कुछ नहीं। और बटन भी छोटे छोटे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि हाँ वहाँ पे मुझे रोक दिया जाए। और बाकी सामान मैं डैडी को दे दूंगी, डैडी मेरे साथ जा रहे हैं। चल ठीक है, थैंक यू। ठीक है मम्मा, धन्यवाद सब कुछ तरी ऐसा। बाय यशपू। डैडी तैयार खड़े हैं मेरे वेट में कब से। तो हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं और भैया भी यहाँ पे आ गए हैं। और डैडी मेरे को यहाँ पे छोड़ के भाभी भैया के घर पे चले जाएंगे और भैया ही मुझे लेने के लिए आएंगे। डैडी ये मेरे दोनों बैग आप लेके चले जाओ जहाँ जाओगे, ठीक है। इनको मैं लेके नहीं जा सकती और बाकी सामान मेरा मेरे पे आ गया, ठीक है। मैं जा रही हूँ। तो एग्जाम मेरा हो गया है और अभी हम भाभी के घर पे आए हैं, लेकिन भाभी को हमारे आने से पहले ही चोट लग गई है। इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और एग्जाम मेरा अच्छा रहा। भाभी का ना हाथ जल गया और बहुत बुरी तरह से हाथ जल रहा है। भाभी आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, बाकी का काम अब मैं संभाल लूंगी, ठीक है। कोई बात, हो गया काम। बस मेरे को ये बताते रहना कि कहाँ क्या चीज रखी हुई है, ठीक है। हो गया काम, तो खाना रेडी है। तो ये टेस्टी सा खाना हमारे प्यारे भैया ने बनाया है ना। हाँ जी, उन्होंने बनाया। और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और खाना सच्ची में बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो अब कैसा फील हो रहा है आपको, ठीक है। अब भी पेन हो रहा है तो खाना बनाने वाली आ गई, अब भी पेन हो रहा है। चाय बना दूं? लाइट ऑफ क्यों कर रखी है रूम की? चाय बना दूं? ग्लूकोन डी पी लिया। आप बताओ चाय पियोगे? पियोगे, ठीक है, बना रहे। तो इधर चाय बनकर रेडी हो चुकी है और इधर आटा बनकर रेडी हो चुका है और बैठ के चाय पियेंगे। और आटा शाम के लिए बना रहे हैं क्योंकि इनके हाथ बहुत ज्यादा जल चुका है, जिसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो उसको बना के फ्रिज में रख देंगे। नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही भैया। ऊपर जी चाय लो। चलो जी ठीक है, आना आप भी। और ज्यादा काम में मत घुसने की कोशिश करना, भैया की हेल्प ले लेना और अपने हक को फटाफट सही कर लो, ठीक है। आऊं? ठीक है जी, बाय। अभी बीच में हमें रुकना पड़ गया क्योंकि स्कूटी के टायर में थोड़ी सी हवा कम लग रही थी, मतलब काफी सी लग रही थी, जिसकी वजह से वो पिकअप वगैरह नहीं उठा पा रही थी। तो फिलहाल डैडी वही कराने में लगे हुए हैं। किसमें जयशपुर, रुक जा, मैं सामान तो निकाल लूं। खुल ही नहीं रहा मेरे से, हो गया। ये ढोलक वाला कौन है भाई? हाँ, किसका ढोलक है ये? आपका ही है, बजाना आता है ऐसे। और चप्पल किसकी पहनी है इतनी बड़ी बड़ी है? हाय, हेलो, अलग ही दिख रहा, सो के उठी है। अरे नहीं भाई। हेलो जशपी, कहाँ है? तेरे लिए कुछ है मेरे पास। यस, मेरे ना याद आ गया था, एक जगह रुके थे हम, मेरे जस्ट पीछे ही ऐसे कोई शॉप थी तो मैंने उससे ले लिया। पता है, मतलब सपनों में भी आ रही है रसमला, बेचारी को रसमला ही नसीब नहीं हुई, बट मुझे ये वाली मिली है। आई डोंट नो ये तुम्हें कैसी लगेगी, देख लेना, फ्लेवर अच्छा होगा तो खा लेना, बाकी और आ जाएगी फिर। अभी रात का वक्त हो चुका है और डिनर का भी वक्त हो चुका है। अब ये मत कहना इतनी ज्यादा खिचड़ी क्यों खाते हैं लोग, क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे वेजिटेबल डाल के, और जिसको पुलाव लगते हैं वो पुलाव बोल सकता है, और हम तो बचपन से खिचड़ी बोलते आ रहे हैं, तो मैंने खिचड़ी बनाई है। और मम्मी को तो ये डाउट रहता है कि पता नहीं कैसे बनेगी खिचड़ी, कैसे नहीं, तो इसलिए वो दो चार रोटी अपनी पहले बना के रखती है। आम की सब्जी, हाँ फिर तो वो यही खाने वाले हैं क्योंकि उनकी फेवरेट सब्जी है, तो वो तो खिचड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं बैठता फिर उनके लिए। चला जा, हम लोग खा रहे हैं। फिर कभी बोला कि ठंडी नहीं मैं खाऊंगी। बाबू जी को दे एक बार, जल्दी आ। फैन बंद कर दो। यश, फैन क्यों खोला तूने? ये फैन किसने खोला? इधर देख मेरी तरफ, अगर आज के बाद फैन खोल दिया ना, अरे मेरा गुड्डू डर जाता है, एकदम डर जाता है। मैं तो वैसे ही मजाक कर रही हूँ। आ जा, चल तू भी। आ भी गई तो इतनी जल्दी? फिर इधर भी जल्दी आ जा। अब बस जयशपू की दवाई रह गई है, और कुछ लोग तो मच्छरदानी लगाकर सो भी गए हैं। हम वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं, वार्तालाप तो तू कर रही है। मेरे को एक बार बता दो, जयशपू को दवाई दी थी सुबह? नहीं। शाम को दी थी? नहीं। जब मैं पढ़ रही थी वहां बैठ के, मैंने तेरे को दो टाइम की तो जिम्मेदारी दी थी, क्यों नहीं दी दवाई फिर? मैं भूल गई।
टाइम देंगे जब आप पढ़े हुए दो टाइम देंगे। बस कुछ भी उल्टा बोलना है इसको, ये बोला करो कि याद से सही से काम किया करे, याद से सही से काम जयपुर को एक टाइम से दो। मम्मी दी नहीं इसने, आपके सामने बोल के गई थी मैं इनको, इसने दवाई नहीं दी, खुद भी नहीं लगती। हाँ तो खुद का ही नहीं है, जयपुर को तो क्या ही देगी। और देखो ऐसे हाथ करती है, एक उल्टे हाथ का दो डैडी इसको देना जरा। यशपी आ जा इसके ऊपर आ जा, वेरी गुड, बैठ जाए यहीं पे। चल लेट जा, लेट जा। ऐसे 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 कैसे पागलों जैसा बिहेव मत किया कर, वो ऐसे कर अपना मुंह खोल। देखो जयश्री के दांत कितने क्यूट लग रहे हैं। अरे भाई इस स्टाइल में मुंह नहीं खोलना, ये खोलना पड़ेगा ये आकर। वेरी गुड वेरी गुड, ए ए गई। वन मोर ए एंड ए, वेरी गुड वेरी गुड।